Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos. C'est parti! देख रही हूँ मैं तेरा, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं। जब देखो बस लैपटॉप पे लगा रहता है, ध्यान कहाँ है तेरा, ना पढ़ता है ना कुछ करता है दक्ष। मेरा लेवल ही नहीं। जा रहा हूँ, आज एक ही लेक्चर है, जल्दी आ जाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेव पैकेट। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट अ इक्वेशन व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस इक्वेशन जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। Yes, Daksh, any problem? Sir, actually I know the rest of the equation. This equation? Yes, sir. Okay, then tell me. Sir, minus h cross square by 2m, del square psi by del x square plus e psi is equals to v psi. Good. Sit down. Meet me after class. क्या बात है भाई, सही खेल गया। बहुत पढ़ाई हो रही है घर पे, सर से पर्सनल तारीफ है। चल भाई, सर से मिल करता हूँ। अरे हम पार्किंग में रुके। क्यों? अरे पार्टी दे रहे हैं। किस बात की बे? यू ही तेरी तारीफ की खुशी में। हाँ हाँ, चल रहे हैं। हाँ ठीक है। May I come in, sir? Yes, come in. Sit down. So Daksh, I'm impressed by your answer in classroom. By the way, आपको इस equation के बारे में कैसे पता चला? Sir, according to compendium, I was aware that today we are going to start wave packets. So I was just reading theory booklet of coaching, in which this equation was given. So I just searched for this equation on internet, and due to my keen interest in astronomy, I went to the whole proof. वो सब तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि लास्ट वीक एग्जाम में तुमने स्कोर क्या था? सर एक्चुअली 120 आउट ऑफ 360, बट सर आई एम इम्प्रूविंग। एंड व्हाट अबाउट योर मंथली टेस्ट? सर वो थोड़ा पुअर है। फिर भी कितना? सर 75 आउट ऑफ 360। सो कितना टाइम इन्वेस्ट किया आपने उस एक क्वेश्चन के पीछे दक्ष? सर एक्चुअली मुझे इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो
पता ही नहीं चला कब 5 से 6 घंटे निकल गए पढ़ते पढ़ते। 5 to 6 hours दक्ष, अगर आपने वही 5 to 6 hours अपने एग्जाम प्रिपरेशन लगा दिया रहते तो आपका स्कोर शायद बेटर होता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। कैसा है ना दक्ष, हमारे लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है एंड आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लास एंड डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बिकॉज जो आपने भी किया है ना वो करने का आपका लेवल नहीं है, और जो करने का आपका लेवल है बेटा आप वो कर नहीं रहे हो। सो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान दो। यस सर। यू मे लीव नाउ। एंड लिसन, डोंट फ्लो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। गो। चल फिर सही है। अरे बिरयानी खाने चले। हाँ आ जाएंगे ना दक्ष को बोलते उसको। अरे आ गया दक्ष। और भाई क्या बोले सर ने, क्या हुआ? अरे यार सॉरी यार, वो मम्मी का अर्जेंट कॉल आ गया, थोड़ा घर जाना पड़ेगा। अरे रुक ना, कहाँ अचानक से? अरे क्या हुआ दक्ष? पता नहीं यार क्या हुआ। तो क्या है भाई? भाई सॉरी भाई सॉरी, वो सर ने बोला फिजिक्स की रिवीजन की बुक लेनी थी इसलिए लेट हो गया भाई, सॉरी भाई। बे यार पहले क्यों बताया फोन करके, रुक। भाई तू क्या यहाँ देख रहे हो? वाह ऊपर देख, शायद ऊपर रख दिया मैंने। हाँ रुक जा देखता हूँ। भाई भाई मिल गई। मेरे को भी मिल गई भाई। कब से भाई? वो पापा का रख भाई, उठा के मुझे रख, जल्दी चल। हाँ 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 चल चल जल्दी चल। अच्छा सुन, चला क्यों गया था? अरे कुछ नहीं यार, वो मम्मी का जो कॉल आ गया तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा सो नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। वेलकम सर। आओ आओ। बैठ गए अच्छे से कंफर्टेबली। देखो स्टूडेंट्स, अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूसरों से ज्यादा नॉलेज है और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी जरूरत भी नहीं है, राइट दक्ष? एनीवेज हम अपने टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था कल वो सॉल्व करो।
दक्ष क्या कर रहे हो? सर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। एग्जाम में भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे डिस्कस करके? नो सॉरी सर। इसलिए कहता हूँ जो चीज़ तुम्हारे लेवल की है ना वही क्या करो, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन हायर टॉपिक्स। करो करो करो। अरे चलना दक्ष, बेल बज गई ना, चलना। अभी रुक नहीं यार। क्या सोच रहा तू गेम के बारे में? पागल है लोग। चल चल वो खान चल। अरे नहीं यार चल बोला ना। नहीं यार नहीं यार चल बोला तो चल। कैसा है ना दक्ष, हमारे लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लास एंड बिकॉज़ जो आपने भी किया है ना वो करने का आपका लेवल नहीं। वो सब तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि लास्ट वीक एग्जाम में तुमने स्कोर क्या? इसलिए कहता हूँ जो चीज़ तुम्हारे लेवल की है ना वही क्या करो। एंड लिसन डोंट फ्लो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। क्यों ऐसा होता है जिंदगी में आखिर, जो कदम ऐसे उठ जाते हैं बर्बादी की राह पर, जो हमें ये इस कदर ले जाते हैं। हौसले टूट जाते हैं दुनिया जीतने के, बस एक शब्द के कारण। चुका है खुद से पर रुक जाओ, दुनिया के नजरिए में गिरने से ज्यादा तो खुद के नजरिए में गिरने का डर रख। बचा ले आज खुद को तू, ऊंचा अपना सर रख। कश्मकश में डूब चुका आज ये जहां है, समझ नहीं आ रहा मुझे आखिर कहां तेरे निशान है, कहां तेरे निशान है। Ah!
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रही हूँ, जाओ कर लो अपने मन की। Broken man searching for answers in the mystic arts. A brilliant student, but he was proud. Headstrong. Questioned the ancient one, rejected her teaching. अरे दक्ष, कहाँ है इतने दिनों से, ट्यूशन भी नहीं आया। बर्थडे भाई। और भाई कैसा है, कितने कैसा दिनों है बाद मिल रहा है। हाँ चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, सब जन आ गए, जल्दी केक काटो। अरे चलो यार जल्दी जल्दी। हाँ चलो चलो जल्दी। क्यों आ गया, चलना वहां। अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा हेडेक था भाई। सिर्फ हेडेक है या कुछ और प्रॉब्लम है? अरे नहीं भाई कुछ नहीं भाई। ये सब गेम ना उनको देना जो तुझे जानते नहीं है। अभी बस मुझे इतना बता कि हुआ क्या है भाई। हुआ तो बहुत कुछ है। हाँ तो बता ना क्या हुआ। अबे ओ क्या कर रहे हो, चलो ना जल्दी। अरे कुछ नहीं यार, हम दोनों बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, तू चलना। हाँ। हम आते हैं। हाँ ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अपन कल कहीं मिलते हैं और वहाँ आराम से बात करते हैं। हाँ भाई। भाई इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। वही तो, इतना सब कब हुआ पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तो पता नहीं क्या क्या हो गया था। यही तो छोड़, अब तो बोर्ड से निकालने का भी लेवल नहीं होता मेरे भाई। क्या हो गया है तुझे, यू नो यू आर टोटली चेंज्ड एंड इट्स ऑब्वियस आफ्टर गोइंग थ्रू सच ट्रॉमा। बट देख, मैं यहाँ तुझे इस सिचुएशन से निकल के एडवाइस तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर एडवाइस से कुछ हो पाता तो शायद आंटी की एडवाइस इनफ होती। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दक्ष, मुझे नहीं पता तेरा लेवल क्या है, उस सर को नहीं पता तेरा लेवल क्या है, ये बात सिर्फ तुझे पता है कि तेरा लेवल क्या है। घर जा और पूछ अपने आप से कि तेरा लेवल क्या है।
I know you can do it and you will. क्या सोच रहा है अपने लेवल के बारे में? क्यों सोच रहा है? वो तो तुझसे बेटर तेरा वो सर जानता है, या शायद तेरे वो दोस्त जानते हैं जो तुझ पर हंस रहे थे, या शायद पूरी दुनिया जानती है। तो तू अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों दे रहा है? तुझे याद है दक्ष, टेंथ बोर्ड में तूने ठीक 3 महीने पहले पढ़ाई शुरू की थी, एंड यू एंडेड अप बिकमिंग अ मेरिट स्टूडेंट। मैं जानता हूं टेंथ बोर्ड, ट्वेल्थ बोर्ड और IITJEE, इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस दक्ष और उस दक्ष में भी जमीन आसमान का फर्क है। उसे दुनिया की बातों से ज्यादा शायद अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा था, और उसका वही भरोसा उसे इस दुनिया की हर चीज पाने का। मैं तुझे यहां हाथ पकड़कर उठाने नहीं आया, मैं यहां तुझे उठ जा ये कहने आया। एंड रिमेंबर दक्ष, no one can motivate you better than yourself, and I am yourself. उठ जा मेरे भाई, उठ जा। देख बेटा, अपसेट नहीं होना। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि तू अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, मेरे को इस बात की खुशी है कि तूने जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, 1 महीने की मेहनत में तूने 81% लिए हैं। इससे एक बात समझ में आ गई कि तू अगर जिद से अच्छे से पढ़ाई करेगा तो तू इससे भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। चल बेटे, एक गलती जिंदगी में सबको माफ़ होती है, तुझे भी माफ़ है।
अब जो हो गया उन बीती बातों को भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, अब रुकना नहीं, अब गिरना नहीं, ओके? आज आज हार कर भी कदम आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किलों से थक चुके फिर भी निडर हो लड़ रहे हैं। ये कुछ कहानियां बनाने का जज्बा रखते हैं, कुछ मुश्किल राहों पर अपना ठोस कब्जा रखते हैं। सीख रहा हूं मैं भी इन मुश्किल राहों पर चलना, सिखा रहा हूं खुद को मैं इन मुश्किलों में ढलना। क्योंकि हार मानकर भी किसी ने क्या पाया, मुझे बढ़ते रहना भी शायद इन मुश्किलों ने सिखाया। बस अब ये कदम नहीं रुकेंगे, अब ये हौसले नहीं टूटेंगे, अब नहीं निराश होगा मैं सुन किसी की बात, नहीं होगा हक उन्हें चुनने के मेरे जज्बा। बस बुरा समय खत्म हो गया मेरा, अब समय आ गया है लिखने का, इस कहानी का नया सवेरा, इस कहानी का नया सवेरा।